यार है, लेकिन मेरा भी कुछ कहना है। अब जब भगवान कह दिए कि मेरा भी कुछ कहना है तो सब कोई शांत हो जाते हैं। कहने लगे कहिए मालिक आपका क्या कहना है। भगवान कहने लगे सुनिए, इस सभा में जितने भी आदमी बैठे हैं ना, आज जिनकी जिनकी उम्र 16 साल से अधिक है, शादी नहीं हुई है, अपना अपना हाथ उठाइए। यहाँ कोई नहीं उठे, कोई छोरा सुरफुराइत रहे, ब्याह करे के मन छोड़े। भगवान कहने लगे जिनकी जिनकी उम्र 16 साल से अधिक है, शादी नहीं हुई है, अपना अपना हाथ उठाइए। तो हुआ क्या जानते हैं कि तमाम अयोध्यावासी से अहो प्रश्न किए भगवान, लेकिन सबका हाथ नीचे रहा। जय हो। उठा लिए हनुमान, तमाम अयोध्यावासी से प्रश्न किए भगवान, आ सबका हाथ नीचे रहा, उठा लिए हनुमान। हनुमान जी हाथ उठा लिए। आ जैसे ही हनुमान जी हाथ उठाते हैं, इसी समय से भगवान की परीक्षा शुरू हो जाती है। भगवान कहने लगे देखिए देखिए, हनुमान इंडिकेट कर रहा है, संकेत दे रहा है कि हम अनमैरिज है, हमारी शादी होनी चाहिए। हनुमान जी हाथ गिरा लिए कि जुलूम है, हाथ नहीं उठाते। तो भगवान कहते कि हनुमान तुम्हारी उम्र 16 साल से अधिक है और शादी नहीं हुई है, तो तुमने काहे हाथ उठाया। हाथ उठा लिए हैं तो कहते हैं ब्याह करने का मन है, यहाँ से हटने में फायदा है। हनुमान जी तो वहां से हट गए, लेकिन जैसे आजकल होता है रेल मंत्री, तेल मंत्री, खेल मंत्री, जेल मंत्री, उस समय में भी भगवान के दरबार में थे महामंत्री। कौन? जामवंत जी। भगवान आवाज लगाते हैं कि ऐ जामवंत जी, ऐ महामंत्री जी। जामवंत जी दौड़ करके आते हैं, जी सरकार। भगवान कह दिए कि सुनिए, हनुमान जी के लिए एगो सुंदर सुशील लड़की खोज करके लाइए। आप लोग इधर उधर नहीं बहकिएगा, इन्हें सोचिएगा कि हनुमान जी की शादी हुई है तो हम शादी करवाने नहीं जा रहे हैं। पहले अंत तक सुनिए, बड़ा आनंद आएगा सुनने में। भगवान परीक्षा ले रहे हैं हनुमान जी की कि वास्तव में हनुमान ब्रह्मचर्य है कि नहीं है, आ कि हनुमान की भी इच्छा होती है शादी करने की कि नहीं, यही परीक्षा है। अब एकांत में भगवान जामवंत जी को बुला लिए कि हनुमान जी के लिए सुंदर लड़की खोज करके लाइए। आपस में बातचीत कर लिए, जकरा अंग्रेजी में कहे छे टेबल टॉक, एहन कहे छे, पढ़ल लिखल नहीं छो। हाँ यो वह कहे छे टेबल टॉक। टेबल टॉक जी, टेबल के स्पेलिंग आवे छे। अब हमरा कैसे स्पेलिंग कहे? अंग्रेजी के नाम पर एक टा बात हमरा याद पड़ गेले, अपने ध्यान देवे। एगो आदमी के यहाँ कुटुम्ब पहुँचले, तनी स्टैंडर्ड कुटुम्ब रहे, बेचारा दौड़ल गेले अपना पत्नी के नजदीक, कलके कने गेल हो, कलके की बात, कलके हमर दोस्त आयल छथिन जान जल्दी चाय बनवन दू कप, हे
चाय बना ली है आ चाय बन जो न तू हमारा अंग्रेजी में हाँक दी हो कहो कि हेलो मिस्टर हेलो टी इज रेडी बेचारी कल के गोर लगे छियो हम बाप जिंदगी में कहियो स्कूल काहे खने देख लिया तू हमरा ई अंग्रेजी फंगरेजी जे बोले ल कहे छो हमरा से नहीं होतो कल के एको लाइन बोल दबो न त हमर प्रतिष्ठा बढ़ जेती कल के हम केना बोलिए कल के याद करो कहो हेलो मिस्टर हेलो इहो बेचारी कहे हेलो मिस्टर हेलो कल के कहो टी इज रेडी इहो कहे टी इज रेडी कल के जाए नहीं ते टावर पकड़ने रह जा याद करे जा अब बेचारी याद करे तो जाए छे हेलो मिस्टर हेलो टी इज रेडी हेलो मिस्टर हेलो टी इज रेडी केले बोले चाय बनवे ले आए बेचारा एले ओए दोस्त के नजदीक कल के प्रणाम दोस्त प्रणाम प्रणाम दोस्त का बेचा बढ़िया देखियो दोस्त के कल के करने ल हो दोस्त कल के की कहियो जात रहिए ब्लॉक पर तो सोच लिए तनी तोरो से बात कर लेबे आ तनी तोरा पत्नी उस दो चार लाइन बतिया लेबे कल के पार्टनर जुलुम भ गेलो कल के की भलो कल के हो हमरा पत्नी से जे बात करबो तोरा अंग्रेजी आर बोले लाबे छो कल के महाराज तोहर पत्नी परहल कहां रह तोहर पत्नी तो साफे मूर्ख रह तोहर पत्नी साफे मूर्ख न रह ई कहल के हे हो भाई मूर्ख रहे लेकिन शादी जखनिए भेले कि हमें होम ट्यूशन लगा दिलिए घरे पर मर से आबत रहे आ जते ने पढ़ाए दल के आप खाली झाड़ के अंग्रेजी ये बोले छे आई ताल ठोके छे सिखैने तो छिबेल करी अब ओकरा बाप जिंदगी में पहली बार अंग्रेजी से भेंट भेले गेले चाय बनबेले चाय पत्ती कने ने भुतलेल रहे चाय पत्ती खोजे में लाग गेले कोई याद करल का भूल गेले चाय बना लेलके केनहु तो चाय बना लेलके आ दरवाजा में प्लेट पर ले कैले खारा छ याद पर तहर तब न बोलते है ई बेचारा देखलके इशारा करलके ना बोलहो ने जे सिखा दलियो बोलहो ने ओहो बेचारी उन्नेस कहे छ अन्ना कि गेलो भूल गेलियो कलके भूल गेलो कुटुम जेते तना एना बतिलके लगतो मुक्का हो बाबू मार के डोर से तो की नहीं हो एकरा कहल के कहले हेलो मिस्टर हेलो टी इज रेडी इन कथे केनहो तो याद पारे पारे कहे छ हेलो मिस्टर हेलो टी री 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 कल के हो भाई ई कोन अंग्रेजी छियो कल के लोकल अंग्रेजी नहीं छे लेकिन ब्रिटेन से पहले तो कभी कभी बेसी स्टाइल मारे में काम गड़बड़ा जाए छे एगो की कर लके लड़का स्टाइल मार के कपड़ा शर्ट पहन लके अब बटन है पीछू में लगा लेलके अब बटन पीछू में लगा के मोटरसाइकिल से जात रहे के एगो खदा में उलट गेले ओकरा चोट आर कुछो नहीं लगले हल्का जे चोट लगले से बेहोश भ गेले दस गो जादव गेले वो ठकल के रे की भले कल के हो भाई एकरा गिर गेले इन गड़बड़ाए गेले एगो कहे छे पागल छे एकरा कुछो नहीं भले ही अरे तनी को काम छे कल के कौन काम कल के कर मुड़ी पकड़ के मचोर कोई कथा कर दे बटन देखे छी ओने लगल छे खाली मुड़ी घूम गेले बस दू गो तीन गो छोरा मुड़ी पकड़ के मचोर कोई कथा कर के झुला दे सब स्टाइल खत्म हां तो स्टाइलो एहन मारियो जे सूट करे देखे छे द कनियन वाला दुपट्टा ओहि कैल छे ई कोनो हमे आर गमछा रखे छे ए सनका गमछा छे उ देखियो न कोन दुपट्टा लेके ले अब तो सब का अपन अपन शौक होय छे स्टाइल होय छे कि दिलबा लगई
प्रभु के मनैया अब राम 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 बस रही है गैया अब राम 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 बस ये साधु पासवान हवलदार जी हैं इनके तरफ से ये 52 रुपए का दान प्राप्त हुआ है दरबार में 52 रुपए का दान दे करके भी पुण्य के भागी बने हैं राम बिना जीने की बेकार लागे भाई हो राम बिना जीने की बेकार लागे भाई हो जियते सरिया ऊपर उजाइएगा सबसे पहले ऊपर हाँ सबके सब देखियो सब गिराए लेके गिरेथनी नहीं सब ऊपर भेजे छी हम एते सवेरे ऊपर चल जेथनी जिनका हाथ रहेगा ऊपर वो दरबार में सबसे सुपर आप भले नहीं सबसे ऊपर और मीठी मीठी ताली के साथ कहेंगे 1 2 3 विजेंद्र यादव जी शाहपुर भेलाही टोल डॉक्टर विजेंद्र यादव जी हैं शाहपुर भेलाही टोल से इनके तरफ से भी इस यादव जी को रामदयाल यादव को ये 101 रुपए का दान मिला है बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब को दान देने के लिए अब चंद्र की जय भगवान जामवंत जी को बुला करके कहने लगे हनुमान जी के लिए वो सुंदर सुशील देखने में जो खूब सुंदर हो ए बूढ़ा हनी चाय पी ली
ए बूढ़ा हैली चाय पीली, ए बूढ़ा हैली चाय पीली। जे बूढ़ा छे ओकरा ने चाय लाग देते, हमें अभी बूढ़ भेलो ही नहीं, अभी तो हम जवान छी। बुढ़वा दू गो पिलके ओ चाहिए पिए लेबे करे छे, खाइए आर लावे छे। ई चाय के पाइन बनने छे, तीन को पी गेले हिन। जर्सी गाय ने जखनी सानी लगा दियो खैना शुरू कर दे छे। अब भगवान कहने लगे कि हनुमान जी के लिए सुंदर लड़की खोज करके लाइए। आपस में बातचीत कर लिए कि लड़की कहाँ मिलेगी। जामवंत जी चल दिए। अब जितने भी अयोध्या वासी है ना, सब कोई कहने लगे सरकार आप जामवंत जी को तो काम दे दिए, हम लोग को भी कोई काम दीजिए। भगवान कहने लगे कि आप लोग को भी काम देंगे, आप लोग अभी से नारा लगाइए। नारा कहे कौन